बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया है और ऐसे में हम सब चाहते हैं कि सफलता की कहानी सुनी जाए और परीक्षा में सफल हुए एक उम्मीदवार हमारे साथ हैं। न सिर्फ सफल बल्कि इन्होंने अपना स्थान टॉपर्स की लिस्ट में शामिल किया है। अलवर जिले के अनुभव हमारे साथ हैं। बीपीएससी में अनुभव ने सेकेंड रैंक लाया है। पहले तो अनुभव बहुत बहुत बधाई आपको, और बताइए कैसा लग रहा है, रिजल्ट कैसे पता चला आपको? किसी ने पहले बताया रिजल्ट या आपने खुद देखा? थैंक यू वेरी मच मैम, काफी खुशी हो रही है। काफी टाइम से मेहनत कर रहा था एग्जाम क्लियर करने के लिए। रिजल्ट का मैम मुझे सबसे पहले पता चला, मेरे एक दोस्त ने कॉल किया था जो कि 67 बीपीएससी में डीएसपी के पोस्ट पे जिसको मिली है, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी रैंक सेकंड आई है। तो इसके बाद ऑब्वियसली काफी खुशी हुई, अपने पेरेंट्स को बताया, कॉल किया, और यही अभी सिलसिला चल रहा है अभी इंटरव्यूज का। और न्यूज न्यूज चैनल से कॉल्स आ रहे हैं, तो वही मैं बातें कर रहा हूँ, फ्रेंड से बातें कर रहा हूँ। जी, घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट सुने और देखे कि मेरे बेटे ने सेकंड रैंक लाया है, तो उनका क्या रिएक्शन था? पहले किसको बताया, मम्मी को, पापा को, किसको बताया? पहले मैंने पापा को कॉल किया था जी और काफी खुशी हुई उनको, जैसे कि हर माता पिता को होती है जब उनका बच्चा सफल होता है, तो काफी खुश थे। परिवार वाले भी काफी खुश हैं, गांव के लोग भी काफी खुश हैं। अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से हैं आप, आपका आपके घर वाले क्या करते हैं, शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई, थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं मेरा गांव अरवल जिला के अयारा गांव है मेरा, वहां से मेरा गांव है वो। और मेरे पिताजी मिडिल स्कूल काको में हेडमास्टर हैं और मेरी माताजी होम मेकर हैं। और मेरी इनिशियल स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल जहानाबाद से हुई है, और उसके बाद मैंने अपना बीटेक आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में किया, और उसके बाद मैंने सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। और सिविल सर्विसेज में ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और बीपीएससी का ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। जी, तो तो बीपीएससी का क्या कैसे मेरा सोचा, मतलब आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से आपने इंजीनियरिंग की है, तो बिहार में सरकारी नौकरी का ख्याल कहाँ से आया? वो बिहार वाला फैक्टर जो होता है, वैसा तो नहीं था ना कि बिहार के हैं तो सरकारी नौकरी तो चाहिए, ये बेसिक है अपना, ऐसा वाला कुछ जी फैक्टर था क्या? जी नहीं मैम, सिविल सर्विसेज में आने का मेन मोटिव था जॉब डाइवर्सिटी और पब्लिक सर्विस, जी और इसके लिए यूपीएससी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन एग्जाम का प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है और अनप्रडिक्टेबल है। जरूरी नहीं है कि आप क्लियर कर लोगे, तो बीपीएससी भी वही चीज आपको देती है, लेकिन यह है कि स्केल थोड़ा छोटा रहता है यहाँ पे। अगर आप एसडीएम बनते हो, डीएसपी बनते हो या किसी और पोस्ट पे जाते हो, पर काम वही है, बस स्केल छोटा है, अपॉर्चुनिटीज उसके कंपेरिजन में कम है सिविल सर्विसेज के। तो जी बीपीएससी मेरा शुरू से ही प्लान भी था कि अगर मैं यूपीएससी में सफल नहीं हो पाता हूँ तो बीपीएससी अगर निकाल पाऊंगा मैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस काफी सिमिलर है। तो पिछले साल मैं यूपीएससी में मेंस में फेल हुआ था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि इस बार दोनों एग्जाम्स ही दूंगा, और बीपीएससी उसी प्रोसेस में मैंने दिया इस बार। जी कौन सा आपको पोस्ट कौन सा मिलने वाला है अनुभव? जी मैम, मुझे सब रजिस्ट्रार का पोस्ट मिलने वाला है। जी, क्यों ये पोस्ट क्यों चुना आपने? मैम, इस पोस्ट चुनने का रीजन बहुत बड़ा था कि बिहार में जो इंडस्ट्रीज हैं वो लैक करती है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी पे काफी असर पड़ता है। तो लैंड एक्विजिशन उसका बहुत उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे कि एक स्टेट का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो इन्वेस्टर्स इस चीज को काफी बारीकी से देखते हैं कि स्टेट में लैंड एक्विजिशन कितना ईजी होगा ऑब्वियसली, और लॉ, लेबर, ये चीजें फैक्टर्स भी होती हैं, पर लैंड का इशू बहुत ज्यादा रहता है। तो इस पोस्ट को चुनने का मेरा मैम रीजन यही था कि इस फील्ड में मैं बेटर कर पाऊं और स्टेट इससे कुछ मतलब इससे स्टेट को फायदा हो, क्योंकि स्टेट बिहार का इकोनॉमी काफी एग्रीकल्चरल है और यहाँ इंडस्ट्रीज को काफी प्रमोट किया जा रहा है अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट इससे काफी बेटर हो सकता है। और भी मेजर जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो लैंड रिलेटेड ही होते हैं, 70% डिस्प्यूट्स जो कंट्री में है वो लैंड रिलेटेड है। तो अगर इसमें ब्यूरोक्रेसी ढंग से अगर काम करे तो इस प्रॉब्लम को सही जा पा सकते हैं। जी, पहले प्रयास में सेकंड रैंक, जिस परीक्षा की तैयारी करने से भी लोग डरते हैं, उस परीक्षा में न सिर्फ आपने इस परीक्षा को दिया, उसमें दूसरा स्थान भी हासिल किया,
तो बताइए तैयारी के बारे में थोड़ा, कि कैसे आपने सोचा, उसके बाद कैसे शुरुआत कैसे की कि अभी मुझे बेसिक स्टार्ट करना है, उसके बाद कैसे कैसे परीक्षा की तैयारी की, ज़रा डिटेल में इसको थोड़ा बताइए। जी मैम, मेरे बेसिक्स यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे, तो इस बार बीपीएससी के लिए मैंने अलग से जो किया वो पहले तो प्रीलिम्स के टाइम पे बिहार स्पेशल एक बुक आती है वो मैंने पढ़ लिया और पीवाईक्यूज देख लिए, और इस एग्जाम पैटर्न भी अब काफ़ी यूपीएससी ओरिएंटेड हो गया है तो उससे भी मुझे प्रीलिम्स में हेल्प मिली। और मेंस के टाइम मैंने बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बजट और कुछ कोचिंग के जो मटेरियल्स आते हैं उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो यूपीएससी से कॉमन होते हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया या इकोनॉमी का टॉपिक्स जो हो गए, तो बिहार की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और बिहार के जो इश्यूज हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया, तो इन चीज़ों पे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए और आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस किया मैंने और टेस्ट दिए जितना भी मेरे पास टाइम था उस बीच, क्योंकि यूपीएससी का भी प्रीलिम्स उसी टाइम था, तो टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। मैंने 5-6 टेस्ट दिए तो उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मेरा पेपर टाइम पे ख़त्म हो जा रहा है और मैं क्वालिटी कंटेंट में क्वालिटी है मेरे, तो उसने काफ़ी हेल्प की मेरी। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? ऑप्शनल अब तो क्वालिफाइंग हो गया है शायद, फिर कितना जी फायदा मिलता है ऑप्शनल से, और आपका ऑप्शनल पहले था क्या, ये पहले बताइए। मैम, मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग है, यूपीएससी में भी यही है और बीपीएससी में भी मैंने यही चुना। जी इसमें तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग था, पर ऑप्शनल भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो अगर आप उसी में क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो बाकी पेपर्स आपके अच्छे हुए उससे फर्क नहीं पड़ता है। जी तो जो एक बोलते हैं कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए 12-15 घंटे की पढ़ाई, आप कितना अग्री करते हैं अनुभव इस बात से? जी मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, और मेरा जी है कि 7-8 घंटे पढ़ना है पर रोज पढ़ना है, गैप नहीं होना चाहिए, और एग्जाम क्लोज आए तो उस हिसाब से टाइमिंग बढ़ाना चाहिए, जितना एग्जाम क्लोज आए 10 आवर 11 घंटे आप ले जा सकते हो, पर इससे ज्यादा 12-15 घंटा लॉन्ग टर्म में फिजिबल नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि लोग कर पाते होंगे, जो कर पाते होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात और पढ़ाई के अलावा क्या क्या पसंद है, हॉबीज क्या हैं आपकी? है। जी मैं जिम पसंद करता हूँ, जिम जाना, और मैं वॉलीबॉल खेलता था कॉलेज में, तो ये चीज़ें पसंद है, और मूवीज देखना और टीवी सीरीज देखना भी काफ़ी पसंद है मुझे। किस टाइप की फिल्में देखते हैं आप? मैम मैं सोशल इश्यूज़ पे भी देखता हूँ और रीजनल सिनेमा भी देखता हूँ, हिंदी सिनेमा भी देखता हूँ, वर्ल्ड सिनेमा भी देखता हूँ, उसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। 12th Fail एक मूवी अभी आई थी, काफ़ी चर्चा हुआ, एस्पिरेंट्स जितने भी थे उनको लेकर काफ़ी इंस्पायरिंग वो मूवी बताई जा रही थी, तो आप उसको देखे क्या? 12th Fail देखे पहले आप? जी, मैंने थिएटर में जाके देखा था, काफ़ी अच्छा, अच्छी कैसी मूवी लगी थी आपको? जी, काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लगा इंस्पायरिंग थी रिलेटेबल लगा? जी। मैम उतना रिलेटेबल तो मुझे नहीं लगा क्योंकि उनके प्रॉब्लम, जिनके ऊपर मूवी जी बनी है उनके प्रॉब्लम डिफरेंट थे, जी फाइनेंशियल जी इश्यूज थे, पर इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली कॉमन होता है एस्पिरेंट्स में, जी तो रिलेट मैं कर पाया। फेल्योर मैंने भी पिछले यूपीएससी के अटेम्प्ट में देखा था तो काफ़ी कुछ रिलेटेबल था, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स कुछ डिफरेंट थी, उनकी कुछ अलग थी, मेरी कुछ अलग थी। जी तो आईआईटी दिल्ली में जब आप थे उस वक्त भी तैयारी आपने शुरू कर दी थी इस सिविल सर्विस एग्जाम्स को लेकर? जी नहीं, मैं कॉलेज में था तो फाइनल ईयर में मैंने थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू किया था क्योंकि मुझे ऑप्शनल लेना था, जी, जनरल स्टडीज और ये जो मेजर पार्ट होता है ये मैंने पास आउट होने के बाद ही स्टार्ट तो करा। कहाँ से आपने कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी की? जी मैम मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैं कोचिंग का हेल्प लेता था टेस्ट सीरीज, टेस्ट लिखने में, इवेलुएट कराने में, जी और जो जो रेगुलर कोर्स होता है, जो फंडामेंटल कोर्स होता है, वो मैंने किसी कोचिंग से नहीं लिया, ना यूपीएससी के लिए ना बीपीएससी के लिए। तो आपने जो करेंट अफेयर्स मैगजीन्स आते हैं या फिर जो कंपाइल्ड बुक आते हैं, टेस्ट सीरीज आते हैं, उसका क्या रोल है इस एग्जाम में, एक बार आप ज़रा हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते हैं कि तैयारी करें तो एक गाइडेंस प्रॉपर मिले, तो इसका क्या रोल है टेस्ट सीरीज और जो मैगजीन्स हैं उसके? जी, मैम करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप पढ़ें, द हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें,
शुरू में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, पर एक बार आपको समझ में आने लगता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो न्यूज़पेपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो मैगजीन्स होती हैं उसको एज ए रिविजन सोर्स यूज करें, और उसको बार बार पढ़ने पे ज़्यादा ना ध्यान दें, उसको एक बार पढ़ के उससे कुछ अपने नोट्स बना लें, और अपने न्यूज़पेपर जो आपने पढ़ा है लॉन्ग टर्म में वही मेमोरी काम आती है। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से एग्जाम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। PYQ और सिलेबस एक बार आप अगर समझ लेते हैं तो, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आप अपनी स्पीड बेटर कर सकते हैं, क्वालिटी अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि आप कंपटीशन में कहाँ लाई कर रहे हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं। तो मैं, मेरा तो मेजर फोकस टेस्ट पे ही रहता था। मैं काफ़ी सारे टेस्ट प्री हो या मेंस हो इनमें देता था। इंटरव्यू में भले ही मैंने कोई मॉक नहीं दिया था, पर मेंस में जितना भी मेरे पास टाइम था उसमें मैंने काफ़ी सारे टेस्ट लिखे थे। अनुभव, बीपीएससी या यूपीएससी एक मैराथन की तरह बोलते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू, कितना अंतर है इन तीनों जो स्टेजेस हैं, इसमें कितना अंतर है? प्री की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए आप। मैम, मेरा मानना है कि तीनों जो प्री और मेंस और इंटरव्यू हैं इनमें काफ़ी डिफरेंस है, और अब वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो प्रीलिम्स के पहले मैं बोलूंगा कि 3 महीने पहले सिर्फ प्रीलिम्स पे ही फोकस करें और प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करें, और इसके लिए टेस्ट लिखें और उससे एग्जाम का पैटर्न अपने दिमाग में बना लें। और मेंस की प्रिपरेशन है, उसमें आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है कि आप अगर पहले से आंसर राइटिंग आपने प्री के पहले से कर रखा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा कि आपने पेपर कंप्लीट किया हुआ है, आपको आंसर लिखना आता है। तो प्री और मेंस का प्रिपरेशन, जो फंडामेंटल प्रिपरेशन है, वो कॉमन होगा स्टार्टिंग में, पर उसके बाद जैसे एग्जाम क्लोज आता है तो डाइवर्ज हो जाता है, और प्रीलिम्स के लिए अलग से स्पेशल फोकस देना होता है। और जी इंटरव्यू के लिए मैं बोलूंगा कि नॉलेज से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करें, कॉन्फिडेंस से चीज़ों का जवाब दें, और कॉमन सेंस से चीज़ों को जवाब दें जो चारों तरफ आप ऑब्जर्व करते हैं। और सिलेबस से ही आप उस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई जो नॉलेज वाली जो क्वेश्चंस हैं उनको, तो फैक्ट्स पढ़ने पे ध्यान ना दें, और प्रॉब्लम्स को ऐसे ग्राउंड लेवल पे फील करें कि अगर ऐसा हो, आप अगर ग्राउंड पे होगे तो इस चीज़ को कैसे डील करोगे। क्योंकि इस बार भी सवाल सारे सिचुएशनल पूछ रहे थे वो, कि आप DYSP बनोगे या कोई और पोस्ट पे जाओगे तो आप क्या चेंज करोगे, जी अभी तक जो चला आ रहा है वो क्यों काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस कोई बुक्स में नहीं मिलता है, वो आपके कॉमन सेंस से और आपके ऑब्जर्वेशन से ही और आपके पर्सनैलिटी में ही वो रिफ्लेक्ट होता है। अनुभव, थोड़ा इंटरव्यू के बारे में और डिटेल से बताइए कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए, जैसे सोशल मीडिया पे वायरल होता है उस तरह के सवाल कुछ पूछे गए क्या? जी नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, वैसे नहीं पूछे तो जाते किस हैं तरह के सवाल थे आप जरा बताइए एक बार। मैम। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था, उन्होंने पहले मेरा इंट्रोडक्शन लिया कि आपने कहाँ से स्कूलिंग करी है, कहाँ से कॉलेज किया है। फिर सिविल इंजीनियरिंग पे काफ़ी ज़्यादा उनका फोकस था, क्योंकि जनरली जो इंजीनियर्स होते हैं वो एग्ज़ाम देते हैं तो अपना ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, तो इस पे उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि आपने भाई क्यों ही रखा, मतलब सिविल इंजीनियरिंग क्यों रखा। और इसके ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, अयोध्या मंदिर पे क्वेश्चन पूछा, उसका सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पूछा, तो इन चीज़ों पे फोकस था। फिर कुछ उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में पूछा कि उसका अभी जो करंट स्टेटस है क्या है, उसको कितना रेगुलेट करना चाहिए। तो काफ़ी मैम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था, वैसा वो लोग ग्रिल नहीं करते हैं, नॉर्मल बातचीत जैसी होती है, और वही आपको कॉन्फिडेंस और कंपोजर से जवाब देना होता है, ढंग से उनका सवाल सुनना होता है, उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप बीच में सवाल जो कर रहे हैं बीच में आप उनसे ना बोलने लग जाए, एक बार सवाल अच्छे से समझ ले। तो जी, ऐसा ही था मैम, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कैसे फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये बात भी काफ़ी आती है कि जो ग्रेजुएट्स ऐसे जो ऑनर्स की डिग्री लिए रहते हैं और जो इंजीनियर्स हैं उनको आजकल सिविल सर्विसेज में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, तो आप इस बात से कितना अग्री करते हैं और कैसे फ़ायदा अगर मिल भी रहा है तो किस तरह से मिल रहा है? जी मैम, इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा एग्जाम क्लियर करने का एक ये भी रीज़न है कि इंजीनियर्स फॉर्म भी ज़्यादा भरते हैं, तो उनका एग्जाम भी क्लियर होने का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा। और एक और चीज़ रहती है कि उन्होंने 4 साल कॉलेज में एग्जाम लिखने का काफ़ी उनको प्रैक्टिस होता है, क्योंकि 4 साल में 8 सेमेस्टर होते हैं और काफ़ी कम टाइम में चीज़ें डिलीवर करके आना वो कॉलेज में सीख लेते हैं।
जी सॉरी, और कंपटीशन फेस करने की आदत होती है उनको क्लास 11th 12th से ही, क्योंकि वो कोई एग्जाम क्रैक करके ही इंजीनियरिंग करने जाते हैं। तो इस चीज में मुझे लगता है कि उनको थोड़ा एज होता है। और बाकी मैम एग्जाम्स तो हर परिवेश से, हर बैकग्राउंड के लोग करते हैं क्लियर, ये तो आपने देखा ही होगा, किसी जी भी आर्ट से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, गरीब हो, अमीर हो, हर तरह के लोग ही करते हैं क्लियर। जी इंस्पिरेशन कौन है अनुभव आपके? मैम मेरे इंस्पिरेशन मेरे माता पिता हैं, उनका सबसे बड़ा रोल है मेरी सफलता में। जी जो प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कुछ मूल मंत्र देना चाहेंगे आप? हाँ जी मैम, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो कि हताश ना हो, अगर एक बार दो बार फेल हो रहे हो तो छोड़ के जाए नहीं, लगे रहें। और दूसरी चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, लोगों से बात करें, यूट्यूब का फायदा उठाएं, उससे टॉपर्स के टॉक सुने, उनकी स्ट्रैटेजी सुने और उससे अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाएं। और टेस्ट देने पे ज़्यादा फोकस करें, टेस्ट में भले ही मार्क्स कम आए लेकिन देते रहें, वो देते देते बढ़ेगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा पर मार्क्स बढ़ेंगे। और एक बार जब मार्क्स इंक्रीज होने लग जाएगा तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि लगेगा कि जब आज आ रहे हैं तो एग्जाम के दिन भी आपके मार्क्स आएंगे, तो उससे काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट बिल्ड होता है। तो मैं यही दो तीन चीजें बताना चाहूंगा जो भी आगे लोग फ्यूचर में एग्जाम देंगे। जी अनुभव, एक आपकी राय जानना चाहेंगे। जो महागठबंधन की सरकार है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, उसमें बेरोजगारी के मुद्दे को ऊपर लाया है और कई तरह की नौकरियों को आगे रखा है, तो आप क्या सोचते हैं? पहले जिस तरह से बीपीएससी का भी अगर हम देख लें तो कई सालों से बहुत डिले चल रहा था, फिर लगातार ऐसे रिजल्ट्स आने लगे और प्री मेंस इंटरव्यू लगातार होना शुरू हो गया, तो क्या आपको लग रहा है कुछ बदलाव हो रहा है बिहार में इस शिक्षा रोजगार को लेकर, या फिर अभी जस का तस ही है? जी मैम जी, बिल्कुल बदलाव हो रहा है। और बदलाव हम लोग देख सकते हैं कि अभी एक दिन पहले इंटरव्यू खत्म हुआ है और अगले दिन रिजल्ट आ गया है। चीजें जी काफी फास्ट हो गई हैं, डिले जैसे नहीं हो रहे हैं और ट्रांसपेरेंसी आई है एग्जाम प्रोसेस में। हर बच्चे का वो लोग कॉपी अपलोड कर रहे हैं पोर्टल पे, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए एग्जाम प्रोसेस में। इसमें तो यूपीएससी से भी कुछ ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लिए हैं बीपीएससी ने। जैसे यूपीएससी में आंसर की नहीं आता है एग्जाम के तुरंत बाद, या बच्चों के आंसर शीट्स अपलोड नहीं होते हैं पोर्टल पे, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है। और गवर्नमेंट इस सेक्टर में काम कर रही है इस फील्ड में, और एम्प्लॉयमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। अभी बिहार में इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, तो इंडस्ट्री डेवलप करेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। तो सही डायरेक्शन में गवर्नमेंट जा रही है, जिसका अभी हमें देखने को मिलेगा, थोड़े वर्षों में इसका फायदा देखने को मिलेगा। आपके फेवरेट नेता कौन है? फेवरेट नेता में वैसे कोई एक तो नहीं है, दो तीन हैं। अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं काफी, वो भी अच्छे लगते हैं। चीफ मिनिस्टर भी काफी अच्छे हैं, वो भी काफी इंस्पायर करते हैं। तो अभी के जी करेंट में तो मैं नहीं है। अनुभव, एक बात ये बताइए कि किस तरह के बदलाव आप चाहते हैं इस फील्ड में रह के, आप किस तरह का बदलाव देखना चाहेंगे और बिहार में? जी मैम, मैं टेक्नोलॉजी का देखना चाहूँगा कि यूज़ ज़्यादा बढ़े। गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काम कर रही है, ई गवर्नेंस काफ़ी आ रहा है, तो इसको जितना हम लोग फास्ट प्रोसेस कर सकें, क्योंकि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। और जो भी इंटरफेस है, ह्यूमन इंटरफेस, उसको थोड़ा कम करके चीज़ों को ज़्यादा हम लोग मतलब प्रोसेस सारी फास्ट कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँच पाए। जैसे अभी आधार वाला आया है, आधार से कनेक्ट किया गया है मनरेगा वर्कर्स को। जी तो मैं टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी रहा है टेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो इस डायरेक्शन में मैं कुछ पॉजिटिव काम करना चाहूँगा। अनुभव, एक अंतिम सवाल, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब बिहार से आप आते हो और शादी पे बात आती है तो कहते हैं कि जब सिविल सर्वेंट इंसान क्लियर कर सिविल सर्वेंट बन जाता है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा को क्लियर कर लेता है, तो उसका रेट तय होता है।
तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो दहेज की जो प्रथा है वो एक, अगर आप बीपीएससी क्वालिफाई हो गए तो आपका रेट इतना हो गया, यूपीएससी क्वालिफाई हो गया तो आपका रेट ये हो गया, आप इस बात पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी मैं। जी, दहेज प्रथा जी हमारे समाज का एक सच है जो कि बहुत ही गलत चीज है, इलीगल भी है, अनएथिकल भी है, इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, पर इसके लिए सोसाइटी को ही स्टेप लेना होगा ताकि गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों मिलकर इस चीज को खत्म करे जो बहुत गलत है। काफी स्टेट से में काफी कम हो गया है, पर बिहार में, यूपी में थोड़ा अभी प्रचलन है इसका, लेकिन इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। गवर्नमेंट को और लोगों को, पब्लिक को इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, और एज ए ऑफिसर्स भी लॉ लॉ को इन्फोर्स करना चाहिए अगर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं तो। बहुत शुक्रिया अनुभव, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे बातचीत की और हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो ये थे हमारे साथ बीपीएससी के सेकंड टॉपर अनुभव, आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तमाम जो टॉपर्स हैं उनके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, TV9 बिहार झारखंड। बहुत शुक्रिया।